लिए अभी स्टेशन पे पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से लेते हैं गाड़ी सीधा ट्रैक के अपने ही अजमेर दरगाह के लिए। देख रहे बाहर की रौनक किस तरह, एकदम ज़बरदस्त डेकोरेटेड और क्राउड देख रहे हो, एकदम तगड़ा किस्म का क्राउड है गाइस, ये चेक करो। तो पीछे अपनी पब्लिक भी आ रही है, अभी पकड़ते हैं यहाँ से गाड़ी। और देख रहे हो नसीर भाई भी अपना व्लॉग शूट कर रहा है और हम भी अपना शूट कर रहे हैं। सो फाइनली गाइज टेक ऑफ भी कर लिया था, अभी आए थे होटल पे खाना वगैरह लेने के लिए। ये रहा खाना भी पैक करवा लिया, एक ठेला जहांगीर भाई के हाथ में है। तो अभी चल रहे हैं अपने होटल, आपको होटल भी दिखाएंगे, होटल वगैरह पहले सामान वगैरह साथ में था तो सारे बच्चे वगैरह फिर आपको दिखा नहीं पाए। तो अभी चलते हैं अपने होटल पर, तो जहाँ पर हमने होटल किया है यहीं मार्केट में ही, रेलवे स्टेशन अजमेर रेलवे स्टेशन उतरते ही साथ में नज़दीक में ही होटल किया, क्योंकि थोड़ा सा दूर हो जाता है, फिर वापसी पर सामान वगैरह रहते बच्चे साथ में, इस वजह से हमने होटल थोड़ा नज़दीक ही किया। तो अभी चलते हैं खाना वगैरह लेके सीधा होटल पे, तो वहीं पे आपसे मिलते हैं। मार्केट गाइस चेक करो, ये रही अजमेर की मार्केट का कुछ इस तरह का व्यू। अभी चलते हैं हम ज़ियारत पे, पहले खाना वगैरह खाएंगे देन उसके बाद चलते हैं सीधा अजमेर शरीफ ज़ियारत पे, ठीक है ना गाइस। अभी चलते हैं फिलहाल अपने होटल पर और बाहर की भीड़ चेक करो गाइस। फाइनली गाइस इस गली में रूम ले लिया हमने यश पर, तो चलते हैं ऊपर क्या सीन रहता है सीधा, आपको दिखाते हैं अपना होटल। गाइस दो रूम ले लिए हमने, एक रूम ये है 6 बेड वाला और एक ये है रूम नंबर 202 203। फिर रूम गाइस लंच हो रहा है यहाँ पे देखो, खाना रूम में ही लाया, इधर ही खा रहे हैं सारे। गाइस अभी हम अपने रूम के छत पे आ चुके हैं, तो यहाँ से आपको थोड़ा सा बाहर की लोकेशन आपको दिखाने के लिए आए। अभी हम यहाँ से जा रहे हैं ज़ियारत शरीफ के पास, अभी वो भी आपको दिखाएंगे कि कहाँ पे है। और अपना ड्रेसअप वगैरह बिल्कुल चेंज कर दिया सलवार कमीज़, कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या सही लग रही है सलवार कमीज़। मैंने आज बहुत टाइम के बाद सलवार कमीज़ डाली और ऊपर से ये इसको बोलते हैं पगड़ी भी बोलते हैं, और नमाज के लिए स्पेशली नमाज जो नमाजी बंदा होता है वो अक्सर यही लगाता रहता है, और मैंने आज लगाई। और ड्रेसअप बताना कि कमेंट में कैसा लग रहा है, और आपको यहाँ की लोकेशन बता दें कि हमने किस जगह रूम किया, और यहाँ से अभी हम जा रहे हैं ज़ियारत शरीफ के लिए जिस मकसद के लिए हम आए थे, तो वहीं पे अभी जा रहे हैं और वहाँ आपको दिखाएँगे जो कि अजमेर की बहुत मशहूर ज़ियारत है और आपको भी दिखाएँगे। तो गाइज़ इस लोकेशन में अभी हमने जाना ऊपर, ज़ियारत शरीफ यहीं पे है, मुझे अभी कोई कंफर्म नहीं है, अभी अपनी जो पार्टी है वो चली गई है नीचे, तो हम भी चलते हैं। हम अभी छत पे आए थे और बाहर की लोकेशन चेक करो गाइज, एकदम तगड़ी लग रही है मार्केट है, ये मार्केट का नाम पता नहीं है लेकिन रेलवे स्टेशन के साथ में ही है, बस स्टैंड के साथ में ही है। और चलते हैं नीचे अपने रूम की तरफ। सो चल रहे हैं गाइज अभी सीधा ज़ियारत की तरफ, पैदल ही जा रहे हैं क्योंकि सब ने डिसाइड किया पैदल जाएंगे और आगे पीछे भी देख लेंगे, क्योंकि रोज़ रोज़ हम नहीं आ पाते हैं यहाँ पे। तो आज फर्स्ट टाइम आए हैं अजमेर की गलियों में, तो चल रहे हैं आगे आगे हमारे, चल रहे हैं सारी पार्टी हमारी पब्लिक। ड्रेसअप वगैरह चेंज कर लिया, बिल्कुल पूरे इस्लामिक तरीके पर आ गए हैं, अदरवाइज़ और कहीं जाना होता तो मेकअप वगैरह से इनको टाइम नहीं मिलता, फुर्सत नहीं मिलती, ठीक है ना। शॉपिंग वगैरह हो रही है अजमेर में, ये देखो अजमेर के प्रोडक्ट्स, ये रही यहाँ का पत्थर है, ये इसको मुझे इसका नाम नहीं है, इसका नाम पता क्या है, इन खिलौनों से हम डरने वाले नहीं है भाई साहब, इन खिलौनों से देख रहे भाई। यार एक चीज मुझे सबसे रियल लगी है पता क्या, हाँ तुर्कुत का कुलाड़ा, तुर्कुत का कुलाड़ा बहुत प्यारा है, ये मिलता है तो किश्तवाड़ में देते 250 रुपए का, यहाँ मिलता है ये 100 रुपए। गाइस देख रहे हो सारे दरगाह से कुछ आ रहे हैं कुछ जा रहे हैं, एकदम तगड़ा किस्म का करोड़ है यहाँ पे। अवेश को जल्दी से जल्दी ठीक है करवा दो, ठीक है करवा दो जल्दी अवेश मीर। फाइनली हम पहुँचने वाले हैं दरगाह के पास में, वो देख रहे मीनार। तो गाइस ये रहा मेन गेट से इंटर हो चुके हैं, अभी
चल रहे हैं अंदर, लेकिन यहाँ पे क्राउड काफ़ी ज़्यादा है और हमारे साथ जो बंदे थे उनका कोई पता नहीं है कहाँ पे हैं वो। देख रहे हो अजमेर के दर पे आए हैं आज बाबा गरीब नवाज के दर पे। ओहो क्राउड चेक करो गाइस, पुरुष है ना यहाँ पे, इसी वजह से ज़्यादा क्राउड है। ओ भाई गाइस ये रहा मैन, यहाँ पे यहीं पे अभी सब कुछ दिखाया जाएगा। उरुस है यहाँ पे और रश क्राउड देख रहे हो गाइस, क्राउड चेक करो गाइस, चेक करो यहाँ पे इनकी सारी चलो ये रही गाइस न्याज की पेड़ है। अभी यहाँ पे झंडा चढ़ाया जाएगा, हमारी सारी बरादरी जो है हमारे साथ में चल चल रही है आगे। अभी ये रही गाइस गाइस ये मस्जिद शरीफ है और यहाँ पे नमाज वगैरह पढ़ रहे हैं। चेक करो गाइस बाबा कादिर जिलानी, ढकले ढकले में तो गिर गई तो अच्छा हुआ, मोबाइल बंद करो। ये आप चेक कर रहे हो यहाँ पे ख्वाजा गरीब नवाज की मज़ार है और ऊपर हाँ इसके अंदर, और यहाँ अंदर दिखाने नहीं देते हैं। मैं तो कैमरा लेके गया था लेकिन थोड़ा सा शूट किया है मैंने, आपको क्लिप में दिख जाएगा और थोड़ा सा और दिखाने की कोशिश करूँगा क्योंकि मैं रोज़ यहाँ पे नहीं आऊँगा। चेक करो गाइस कितना क्राउड है,
सब इंतज़ार कर रहे हैं, देख रहे हो कब खाना मिलेगा। ऊपर खाना का वेट कर रहे हैं, ऊपर आपको हम थोड़ा जूम करने की कोशिश करेंगे। ये ऊपर यहाँ पे खाना वगैरह तैयार हो रहा है, मेरी उंगली आपको दिख रही है बस उंगल की सीध में, वहाँ पे देग वगैरह लगी हुई है, तो खाना वगैरह तैयार हो रहा है। फिर इन सब में परोसा जाएगा बिल्कुल डिसिप्लिन की तरह, इस तरह बैठेंगे तो फिर किसी को एक दाना भी नहीं, एक निवाला भी नहीं नसीब होगा। इधर पूरी एक लाइन, मतलब एक नहीं बहुत सारी लाइनें बनाई जाएंगी, उसके बाद सब में एक एक करके खाना दिया जाएगा। हम भी इंतज़ार में बैठे हैं कब मिलेगा खाना। रामबर 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 बनाल बनाल बनाल, गाइस देख रहे हो कितनी लाइन लगी हुई है खाने के पीछे, आगे लंगर लगा हुआ है लेकिन अभी तक हम तक नहीं पहुंचा। पीछे वाली लाइन चेक करो गाइस, ये देखो पीछे लाइन देखो, यहाँ पे लंगर है, लंगर में खाना परोसा जाता है। यहाँ पे मतलब एक शिफ्ट, एक यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट पूरी मतलब एक बार आती है ना, उसके बाद इनको यहाँ से बंद करते हैं, तो जब ये बंदे खा लेते हैं उसके बाद नेक्स्ट वाला शिफ्ट आ रही है। देखो हमने खा लिया, इसके बाद दूसरी शिफ्ट आ रही है और इन देगों में खाना परोसा जाता है। अभी आपको दिखाएंगे यहाँ पे थोड़े से बंदे, ये देख रहे हो इन देगचू में इन सबको खाना परोसा जाता है, फिर इनको बारी बारी मतलब एक एक करके परोसा जाता है। और देख रहे हो इस साइड में कितना क्राउड है। अभी हम भी चलते हैं अपने रूम पे। तो यहाँ पे गाइज ये पतीले, इनमें खाना बनाते हैं पूरा लंगर के लिए। और चावल देख रहे हो उस साइड पूरी तांक लगी हुई है चावलों की। और यहाँ पे जो भी बंदा आता है न्याज डालता है, जो भी अपनी खुशी से मतलब जो भी अपना उसकी खुशी जो भी होगी तो वो डालता है 100-50 हज़ार जिस हिसाब से जिसका जिसको तौफीक लगे। तो फिर यहाँ पे हर कोई बंदा यहाँ पे रोटी खाता है। ठीक यहाँ पे गाइस ये देगचे चढ़ाए जाते हैं, मतलब कतार में कम से कम 10-15 देगे चढ़ाते हैं, फिर यहाँ से खाना बना के पूरा बिल्कुल तैयार करके, ये देख रहे हो आग अब भी जल रही है यहाँ पे लकड़ी, और अंदर चावल वगैरह सारा कुछ मसाले वगैरह डाल के बिरयानी मिलती है। और यहाँ से मीठे चावल ज़्यादा मशहूर हैं, और आपको दिखाते हैं नीचे चलते हैं। फिलहाल हमारे बंदे जो हैं वो सारे निकल गए हैं यहाँ से, तो फिलहाल करते हैं यहाँ से चेकआउट, फिर मिलते हैं आपसे बाहर। ये रही ख्वाजा गरीब नवाज की मज़ार, तो ऊपर आप देख रहे हो लाइटों से कितना ज़बरदस्त डेकोरेटिव लग रहा है। दिन को तो हम आए थे थोड़ा मतलब क्राउड था, पूरा दिखा नहीं पाए, तो यहाँ पे इनकी मज़ार वगैरह है देख रहे हो, यहाँ पे ज़्यादा रश रहता है। गाइस जी सीधा रास्ता जाता है बाहर की तरफ, अभी हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे जो देग बड़ी देग जो चढ़ाई जाती है उसमें क्विंटलों के हिसाब से 5 टन के करीब चावल जो सुनने में आया है बनते हैं, तो वहीं पे अभी हम जा रहे हैं, आपको भी लेके चलते हैं वहाँ पे सीधा। देख रहे हो जिस बंदे को भी यहाँ पे वजू वगैरह बनाना हो, तो देख रहे हो यहाँ पे इसमें पानी सारा कुछ इधर ही है, और इधर ही वजू वगैरह बनाते हैं। वाह वाह क्या बनाने वाले ने क्या खूब बनाया है। तो गाइस अभी हम देग के पास जा रहे हैं, अभी बिल्कुल अच्छे से आपको दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि उस टाइम ना रास्ता पहले जिस टाइम हम आए थे तो उस टाइम दिखा नहीं पाए पूरा। और यहाँ पे ना इनको मतलब आग वगैरह इसी में जलाते हैं, तो ऊपर आपको देग के पास लेके चलते हैं। ये रही वो देग जिसके अंदर चावल वगैरह सब कुछ देख रहे हो, पैसे कितने डाले हुए हैं लोगों ने, खाली पैसे ही पैसे। और ये रही वो देग जिसके अंदर मतलब चावल क्विंटलों के हिसाब से बनते हैं, ये देखो गाइस चेक करो। तो आखिरकार हम इस देग को अभी चेकआउट कर रहे हैं, यहाँ से निकलने की तैयारी, एक बार फिर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देख रहे हो कितनी बड़ी देग है, इसमें 5 टन की मतलब क्वांटिटी होती है, मतलब बनने की 5 टन की क्वांटिटी मतलब चावल बनता है इसमें। और यहाँ पे लोगों ने देखो कितने पैसे चढ़ा रखे हैं, इन्हीं पैसों को निकाल के सामान वगैरह लाते हैं, फिर चावल बनाते हैं और फिर लोगों में बांटा जाता है। और अभी चलते हैं उस साइड में भी, वहाँ पे भी एक देग है, वहाँ पे भी आपको दिखाएंगे। तो अभी यहाँ से जा रहे हैं दूसरी वाली देग के पास, वहाँ भी आपको पूरा दिखाएंगे। और यहाँ का भी चेक करो गाइस, देख रहे हो यहाँ पे अंदर आग वगैरह जलाते हैं ना, पूरी लकड़ी से भरा हुआ है, उसके बाद यहाँ से
खाना निकाल के लोगों में देते हैं। तो गाइस आ चुके हैं दूसरी देग के पास, ये देख रहे हो, ये वाला देग उससे छोटी देग है, ये उससे छोटी है। गाइस जब खाना बनता है इन ड्रमों में डालकर फिर यहाँ से सप्लाई की जाती है, देख रहे हो ये ड्रम, मैंने भी वीडियो में देखे थे इसलिए मैं डायरेक्ट इधर ही आया। अभी यहाँ पे अजान का टाइम हो रहा है, फिलहाल पढ़ते हैं नमाज फिर यहाँ से निकलते हैं। पैसे देख रहे हो, पब्लिक देख रहे हो कितनी खतरनाक पब्लिक है यहाँ पे, ओहो रश देख रहे हो, सारे दरगाह में जाने की तैयारी है और कल के परसों के दिन में ज़्यादा रश होगा यहाँ से, ओहो देख रहे हो पब्लिक देख रहे हो। गाइज अपना ड्रेसअप कुछ आज इस तरह का लग रहा है, तो गाइज करते हैं अपने व्लॉग को यहीं पे एंड, क्योंकि आज का व्लॉग ना काफ़ी बड़ा हो गया है और हमारे से जितनी भी कोशिश हुई हमने आपको पूरा दिखाने की कोशिश की, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है ना, तो उस वजह से आपको बंदा ना क्लियरली हर एक चीज़ नहीं दिखा पाता है। तो रखते हैं आज के व्लॉग में इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।